हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो द डेक्कन हेराल्ड द्वारा ये चीज़ रिपोर्ट करी जा रही है कि इंडियन एयरफोर्स 2026 से अस्त्र मार्क 2 को सर्विस में इंडक्ट करना चालू कर देगी। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि अस्त्र मार्क 2 मिसाइल के अभी तक एक भी फायरिंग ट्रायल नहीं हुए हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 2 साल में ये मिसाइल इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में होगी। तो कहा यह जा रहा है कि इसके जो यूज़र और डेवलपमेंटल ट्रायल्स हैं ये अगले साल के लिए प्लान किए गए हैं और 2026 तक पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे, जिसके बाद ये मिसाइल सर्विस इंडक्ट होने के लिए तैयार हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस मिसाइल के जो डेवलपमेंटल ट्रायल्स हैं और यूज़र ट्रायल्स हैं वो इतनी जल्दी ख़त्म क्यों हो रहे हैं, साथ ही साथ ये मिसाइल अस्त्र मार्क 1 के कंपैरिजन में कितना बड़ा परफॉर्मेंस बूस्ट देती है। तो अगर आप दोनों मिसाइल के डायमेंशन की बात करेंगे, अस्त्र मार्क 1 और मार्क 2 की, तो दोनों की जो लेंथ है वो बराबर है। डिफरेंस आता है डायमीटर में। अस्त्र मार्क 1 का जो डायमीटर है ये 178 mm का है, वहीं पर जो अस्त्र मार्क 2 का डायमीटर है ये 190 mm का है। तो यहाँ पर डायमेंशन में खाली डायमीटर का डिफरेंस है, बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर है, मिसाइल दिखने में सिमिलर है। और ये भी कहा जाता है कि ड्यूल थ्रस्ट मोटर को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी मामलों में दोनों मिसाइल्स ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से अस्त्र मार्क 2 के जो डेवलपमेंटल ट्रायल्स हैं वो ज़्यादा लंबा नहीं जाएंगे, क्योंकि कई चीज़ जो इस मिसाइल में लग रही हैं वो अस्त्र मार्क 1 में पहले से ही प्रूव हो चुकी हैं। यहाँ पर जो वैलिडेशन है ये इस मिसाइल के इजेक्टर लॉन्चर का है, साथ ही साथ जो 2 नई रॉकेट मोटर लग रही हैं उनका होगा। तो जो पास्ट में टेंडर डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए गए हैं उनके हिसाब से अस्त्र मार्क 2 में, जैसा कि हम जानते हैं, ड्यूल पल्स रॉकेट प्रोपल्शन दिया गया है, यानी कि यहाँ पर 2 रॉकेट मोटर्स हैं। पहली जो मोटर है ये थोड़ी बड़ी है, यहाँ पर प्रोपेलेंट का वॉल्यूम भी ज़्यादा है। तो डायमीटर हम जानते हैं 190 mm का है, जो लंबाई है ये 1130.7 mm की है। तो जो वॉल्यूम यहाँ पर निकल कर आएगा ये 32 mm³ निकल कर सामने आएगा। वहीं पर जो दूसरी छोटी मोटर है वहाँ पर लेंथ आपकी 531 mm की हो जाती है, जिसकी वजह से जो वॉल्यूम है जो कि ऑलमोस्ट आधा है बड़ी मोटर का, तो जो मोस्ट लाइकली प्रोपल्शन वॉल्यूम है दोनों मोटर का मिलाकर ये ऑलमोस्ट 47 mm³ हो जाता है। तो इसके कंपैरिजन में अगर आप अस्त्र मार्क 1 की बात करेंगे तो जैसे कि हमने डिस्कस किया वहाँ पर डायमीटर 178 mm का है और जो मोटर की लंबाई है ये 1840 mm की है, जो कि ओवरऑल वॉल्यूम 46 mm³ का बनाती है। कंपेरेटिवली अगर आप दोनों को देखेंगे तो दोनों के प्रोपल्शन वॉल्यूम में करीबन 1 mm³ का ही डिफरेंस आना चाहिए, यानी कि दोनों मिसाइल के प्रोपल्शन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस खाली यहाँ पर यह है कि अस्त्र मार्क 2 के केस में सिमिलर अमाउंट का प्रोपल्शन 2 मोटर में डिवाइड कर दिया गया है, इसलिए डायमेंशन में दोनों मिसाइल्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। डायमीटर में खाली 12 mm का डिफरेंस है। तो क्या ये मिसाइल 140 या फिर 160 किलोमीटर की जो मैक्सिमम रेंज क्लेम करी जा रही है कई जगह पर देगी? तो थ्योरेटिकली ऐसा नहीं लगता है। ड्यूल पल्स का यहाँ पर फ़ायदा खाली ये होने वाला है कि ये मिसाइल अपनी एनर्जी को ज़्यादा लंबे समय के लिए सस्टेन कर पाएगी, क्योंकि एक मोटर ख़त्म होगी उसके बाद से ये मिसाइल कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, टारगेट के थोड़ा और क्लोज जाएगी, फिर दूसरी मोटर चालू होगी जो कि अगेन इसे मोमेंटम प्रोवाइड कराएगी और लॉन्गर डिस्टेंस पर ट्रैवल करने के लिए। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम रेंज है उसमें आपको बहुत बड़ा इंक्रीज नहीं मिलेगा। तो जो 130 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज बताई जा रही है अस्त्र मार्क 1 के 110 के कंपैरिजन में, मोस्ट लाइकली रियल वर्ल्ड रेंज इसकी मैक्सिमम वही होने वाली है। फ़ायदा यहाँ पर यह होगा कि जो अस्त्र मार्क 1 की रेंजेस हैं उन रेंजेस में इस मिसाइल की इफेक्टिवनेस ज़्यादा होगी, यानी कि टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी आपको अस्त्र मार्क 2 के केस में ज़्यादा मिलेगी। तो क्या ये अस्त्र मार्क 1 पे बहुत बड़ा अपग्रेड है? नहीं। क्या हम डायरेक्टली अस्त्र मार्क 2 को मार्क 1 के ऊपर प्रिक्योर कर सकते हैं? तो हाँ, ऐसा लगता है कि ये किया जा सकता है, लेकिन फिर जो ये आपको बीच में एडवांटेज अस्त्र मार्क 1 की वजह से मिल रहा है हमारी कन्वेंशनल R-77 मिसाइल के ऊपर, उसके लिए हमें 2026 का वेट करना पड़ता। अस्त्र मार्क 1 को आप एक तरीके से स्टेपिंग स्टोन कह सकते हैं, वहीं पर जो अस्त्र मार्क 2 है इसको आप अस्त्र मार्क 1 का ही इवोल्यूशन कह सकते हैं। बाकी मार्क 3 जो है ये एकदम डिफरेंट टेक्नोलॉजी होगी, जो कि सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट को यूज़ करेगी, तो वो एक डिफरेंट कैटेगरी की मिसाइल होगी, भले ही उसे अस्त्र फैमिली का पार्ट बताया जाता है, क्योंकि वहाँ पर डिज़ाइन से लेकर प्रोपल्शन तक सब डिफरेंट है। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि 2026 तक अस्त्र मार्क 2 हमें मिलना चालू हो जाएंगी। और यहाँ पर ट्रायल्स जल्दी क्यों ख़त्म होंगे इसको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए,
सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।